Ivan Dobuj. Once more! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे एडिट करते हैं एलेटमो स्नैप में, जो दोस्तों आप लोग प्रीव्यू में देखा। दोस्तों आप लोग इस तरह का वीडियो एंड इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस वीडियो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो, वो भी आपकी खुद की पिक्चर से, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए एलेटमो स्नैप की जरूरत है। दोस्तों आपके पास एलेटमो स्नैप नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके एलेटमो स्नैप को डाउनलोड करना। फिर दोस्तों आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना, फिर यहाँ पे आप लोगों को दो पीछे लिंक और देख सकते फाइल का लिंक मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक सॉन्ग रिवर्स स्विच ऑन प्रोजेक्ट और दूसरा सेकंड रिवर्स स्विच ऑन प्रोजेक्ट, यानी कि इन दोनों फाइल को डाउनलोड का लिंक मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग पीछे प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पे एक सेकंड प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट को आप लोग यहाँ पे इनपुट करना। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ पे प्रीसेट फाइल को आप लोग यहाँ पे इनपुट करना। इनपुट करने के लिए आप लोग इस ऐप्स को ऊपर आप लोग यहाँ पे सिंग इन कर लेना, फिर आप लोग यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट को आप लोग यहाँ पे इनपुट किए उसे आप ओपन दिखाओगे। फिर यहाँ पे आप लोग सॉन्ग प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग वीडियो के फर्स्ट में आना, फिर यहाँ पे आप लोग जो स्विच ऑन नेम वाली ईमेल लिया देखिए, इन सारी ईमेल लिया में आप लोग यहाँ पे आपकी पिक्चर को ऐड कर लेना। दोस्तों पिक्चर ऐड करने से पहले यहाँ पे आप लोग आपकी पिक्चर को 9.16 में कन्वर्ट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग दो पिक्चर को 9.16 में कन्वर्ट कर लेना। दोस्तों 9.16 में कन्वर्ट कर लिए आप लोग यहाँ पे जो खाली हिस्सा है यहाँ पे आना, फिर आप लोग नीचे अपलोड टैप करना, फिर मीडिया पर टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ऊपर में थ्रेड को टैप करके आप लोग फिल कॉमर्स में टैप कर देना। फिर दोस्तों आप लोग मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आके आपकी पिक्चर को आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बैक आना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना, फिर आप लोग इस सफेद लाइन को आप लोग के पिक्चर के ऊपर रखना, फिर आप लोग यहाँ पे टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे कंट फ्रेम या पीएनजी बटन को टैप कर देना, फिर आप लोग यहाँ पे नीचे एक्सप्लोर को टैप कर देना। दोस्तों पिक्चर एक्सप्लोर होने के बाद आप लोग नीचे सेव बटन टैप करके आप लोग पिक्चर को सेव कर लेना, फिर आप लोग क्लोज बटन टैप करना, फिर आप लोग इस पिक्चर को टैप करना, फिर आप लोग इसको डिलीट कर देना, फिर से आप लोग नीचे प्लस बटन टैप करना, फिर मीडिया बटन टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे दूसरी पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ओपन मटेरियल को टैप करके आप लोग फिल कॉमर्स में टैप कर देना। फिर दोस्तों मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आके आप लोग आपकी पिक्चर को एडजस्ट कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ाना, फिर इस सफेद लाइन को आप लोग पिक्चर के ऊपर रखना, फिर आप लोग यहाँ पे टैप करना, फिर आप लोग नीचे कॉन्फर्म या पीएनजी बटन टैप करके आप लोग नीचे एक्सप्लोर को टैप कर देना। पिक्चर एक्सप्लोर के बाद आप लोग नीचे सेव बटन टैप करके आप लोग पिक्चर को सेव कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लोज बटन टैप करना, फिर आप लोग इस तरह यहाँ पे आप लोग टू पिक्चर को आप लोग 9.16 में कन्वर्ट कर लेना, फिर आप लोग इसको डिलीट कर देना, फिर वीडियो के फर्स्ट में आना, फिर यहाँ पे आप लोग इस वाले रेड लाइन से यानी कि यहाँ पे जो डबल रेड लाइन है इसके आगे तक यहाँ पे आप लोग एक ही पिक्चर को आप लोग इन सारे लेयर में सिलेक्ट कर लेना। आप लोग यहाँ पे डबल रेड लाइन आगे तक यानी कि 5.6 सेकंड तक यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आपकी पिक्चर को एक ही पिक्चर को आप लोग यहाँ पे बार बार सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए आप लोग पिक्चर को टैप करना, फिर आप लोग कलर फिल्म में टैप करना, फिर मीडिया बटन को टैप करना, फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग 9.16 में कन्वर्ट हुए पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एलेट मोशन फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग यहाँ पे आपकी 9.16 में कन्वर्ट हुए पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस बटन टैप कर देना, फिर आप लोग कैसे बजाना, फिर इस पिक्चर को इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना, फिर कलर फिल्म में टैप करना, फिर मीडिया बटन करना, फिर दोस्तों आप लोग इस पिक्चर को आप लोग फिर से सेलेक्ट करना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस बटन टैप करना, फिर आप लोग कैसे बजाना, फिर आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना, फिर कलर फिल्म में टैप करना, फिर मीडिया बटन टैप करना, फिर आप लोग इस पिक्चर को फिर से सिलेक्ट करना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस बटन टैप कर देना, फिर आप लोग कैसे बजाना, फिर से आप लोग इस पिक्चर को इस वाले पिक्चर लेयर में आप लोग आके इसको सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग ऊपर प्लस टैप कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ा जाना, फिर से आप लोग पिक्चर टैप करना, फिर कलर फिल्म टैप करना, मीडिया टैप करना, फिर पिक्चर को सेलेक्ट करना, फिर प्लस टैप करना, फिर आप लोग कैसे बढ़ाना, फिर आप लोग फिर से एपी मीडिया टैप करना, फिर कलर फिल्म टैप करना, फिर मीडिया टैप करना, फिर इस पिक्चर को फिर से सिलेक्ट करना, फिर आप लोग ऊपर प्लस टैप कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ना, फिर इस पिक्चर को आप लोग यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों इस वाले पिक्चर डबल रेड लाइन आगे तक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग इस डबल रेड लाइन से आप लोग इस वाले रेड लाइन तक यानी कि जहाँ पे पिक्चर लेयर खत्म हो रही है वहाँ तक आप लोग यहाँ पे आपकी एक और अलग पिक्चर को आप लोग इन सारे लेयर में आप लोग बार बार सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के लिए आप लोग पिक्चर टैप करना, फिर कलर फिल्म टैप करना, फिर मीडिया टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे 9.16 को सिलेक्ट करना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस टैप कर देना, फिर आप लोग कैसे बजाना, फिर इस पिक्चर को आप लोग इस वाले पिक्चर लेयर में सिलेक्ट करना, पिक्चर टैप करना, फिर कलर फिल्म टैप करना, फिर मीडिया टैप करना, फिर दोस्तों आप लोग इस पिक्चर को फिर सेट करना, फिर आप लोग ऊपर में प्लस टैप कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ जाना। दोस्तों इस तरह यहाँ पे जितने भी पिक्चर ले रहे हैं यानी कि आप लोग यहाँ पे 7.21 सेकंड तक यहाँ पे जितने भी पिक्चर ले रहे हैं इन सारे पिक्चर में आप लोग इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आप लोग यहाँ पे इन सारे लेयर में एक ही पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना यानी कि ऐड कर लेना। दोस्तों मैं यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ।
दोस्तों इस वाले पिक्चर इन सारे लेयर में ऐड हो जाने के बाद आप लोग इस वाले रेड लाइन पे आना, यानी कि जहाँ पे पिक्चर लेयर खत्म हो रही है वहाँ पे आना। आप लोग 7.21 सेकंड से वीडियो के एंड तक आप लोग यहाँ पे आपकी नॉर्मल पिक्चर को ऐड कर लेना। ऐड करने के लिए आप लोग रेड लाइन पे आना, फिर नीचे प्लस पर टैप करना, फिर मीडियम डॉट करना, फिर आप लोग यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग ऊपर 3 डॉट पर टैप करना, फिर आप लोग फिल कम्स में टैप कर देना, फिर दोस्तों मूवमेंट ट्रांसफॉर्म आके दोस्तों आप लोग पिक्चर को एडजस्ट कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ लेना, फिर इसके बाद में रेड लाइन पे आना, फिर आप लोग इस बार टैप करके इसको ट्रिम कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा देना, फिर आप लोग नीचे प्लस पर टैप करना, फिर मीडियम टैप करना, फिर यहाँ पे आप लोग पिक्चर को सेट करना, फिर आप लोग ओपन थ्री को टैप करके आप लोग फिर कम्स में टैप कर देना, फिर इसके बाद में रेड लाइन पे आके इसको ट्रिम कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ देना, फिर से आप नीचे प्लस पर टैप करना, फिर मीडियम टैप करना, फिर आप लोग पिक्चर को सेट करना, फिर आप लोग ओपन थ्री को टैप करके फिर कम्स में टैप कर देना, फिर मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के आके दोस्तों इसको एडजस्ट कर लेना, फिर इसके बाद में रेड लाइन पे आके इसको ट्रिम कर लेना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। दोस्तों जिस तरह से मैंने दिखाया उस तरह से आप लोग यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लेना। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल पिक्चर ऐड होने के बाद आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ जाना, फिर आप लोग यहाँ पे सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जो पिक्चर लिया है इसे पिक्चर टैप करना, फिर इफेक्ट पर टैप करना, फिर थ्री डॉट को टैप करके कॉपी पेस्ट कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ना, फिर आप लोग ऊपर में दो सीसी लिया देगी, इन दोनों सीसी लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग डॉल बॉक्स से टैप करके कॉपी टू लेस कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ा जाना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे सॉन्ग रिपोर्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोग वीडियो की फर्स्ट में, फिर आप लोग डॉल बॉक्स से टैप करके पेस्ट टू लेस कर देना, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर जहाँ पे आप लोग नॉर्मल पिक्चर को ऐड के वहाँ पे चले आना, यानी कि आप लोग 7.21 सेकंड से वीडियो के एंड तक आप लोग यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के लिए आप लोग पिक्चर लेयर को टैप करना, फिर इफेक्ट बटन को टैप करना, फिर थ्री को टैप करके आप लोग पेस्ट पे कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ाना, फिर दूसरी पिक्चर लेयर पे आना, फिर आप लोग इफेक्ट बटन टैप करना, थ्री को टैप करके पेस्ट पे कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ाना, फिर तीसरी पिक्चर लेयर पे आना, फिर इफेक्ट बटन टैप करना, फिर थ्री को टैप करके पेस्ट पे कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ा जाना, फिर से आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना, फिर इफेक्ट टैप करना, थ्री को टैप पेस्ट पे कर देना, फिर आप लोग कैसे बढ़ा जाना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को आप लोग यहाँ पे पेस्ट करना, दोस्तों जिस तरह मैंने देखा उस तरह आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट फर्स्ट में आना, फिर यहाँ पे आप लोग दो सीसी लेयर को पेस्ट किए, इन दोनों सीसी लेयर को फिर से सेट करना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में चलाना, फिर आप लोग नीचे इस बार टैप कर देना, यानी कि इन दोनों लेयर को आप लोग वीडियो के अंत तक कर लेना, फिर आप लोग कैसे बढ़ा जाना। फिर यहाँ पे दोस्तों इस वाले वीडियो यहाँ पे फुल कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आप लोग इस वाले वीडियो को एडिट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग XML प्रोजेक्ट को इंप्रूव करके वीडियो को एडिट कर रहे हो तो आप लोग इस वाले वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों इस वाले वीडियो के गाने के डाउनलोड लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग ऊपर में इस बार टैप करना, फिर आप लोग वीडियो बटन को टैप करके आप लोग नीचे एक्सप्लोर को टैप कर देना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो एक्सप्लोर के बाद नीचे सेव बटन टैप करके आप लोग वीडियो का सेव कर लेना। दोस्तों आज के वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।